हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, एसएससी एमटीएस 2019 में जो फाइनल कट ऑफ है, क्या जा सकता है और क्या सेफ स्कोर रह सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए 18 से 27 एज ग्रुप में सिर्फ दिल्ली की, ठीक है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, हम लोग अब अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और यहाँ पे जो है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं जिससे आप पढ़ के अपनी सफलता निश्चित करेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है, डेली रेगुलर पढ़ना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। प्लस कोर्स खरीदते समय आपको CPE डिस्काउंट कोड अपडेट अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए SSC के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 मंथ के लिए 5400 लगेंगे और 24 मंथ के लिए 6400। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 24 मंथ वाला ही लें। यहाँ पे आपको अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एक सब्सक्रिप्शन में जो है आपको सब कुछ मिलेगा। तो प्लस कोर्स खरीदिए। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है तो एकदम जुट जाइए तैयारी में, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस लॉन्च हुए हैं अभिनय सर के, पवन राव सर के, तो जाइए चेक कीजिए। CPE10 जो है रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूलिएगा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो गाइज़ बात करते हैं सबसे पहले 2016-17 में प्रीलिम्स की MTS की क्या कटअप गई थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हेजी है, मैं आपको बोल के पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, SC की जो कटअप गई थी 100 गई थी, ST की 87, OBC की 101, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था उस टाइम, पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ। OH की कट ऑफ गई थी 93, OHH की 49, VH की 76, जनरल की 110 गई थी, ठीक है। तो ये गई थी प्रीलिम्स की कट ऑफ 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद अगर हम लोग बात करें DV की क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है, मेन आपको जो अंतर है वो आपको DV और फाइनल सिलेक्शन में ढूंढना है। देखिए, DV की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी, देख सकते हैं, NR रीजन दिल्ली में 123 गई थी, SC की, ST की 115, एक्स सर्विसमैन की 52.25, OH की 117, HH की 88, OBC की 123, BH की 107, जनरल की 126 गई थी, ठीक है। ये गई थी कट ऑफ DV के लिए, ठीक है, DV के लिए दिल्ली की, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है सिर्फ। और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था, देखिए SC का हुआ था 126, यानी कि DV और फाइनल सिलेक्शन के बीच 3 मार्क्स का फ़र्क है। ST का 115 पे DV के लिए बुलाया गया था और 118, यहाँ पे भी 3 मार्क्स का ही अंतर है, फाइनल सिलेक्शन 118 पे हुआ था। एक्स सर्विसमैन में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में DV के लिए या फिर Tier 1 की जो कट ऑफ जाती है उसमें और फाइनल सिलेक्शन में अंतर जो होता है वो 20 से 30 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। तो देखिए, एक सर्विसमैन का यहाँ पर DV के लिए कट ऑफ गया था 52 और सिलेक्शन हुआ था 77 पे। OH का 117 पे, माफ़ कीजिएगा, 117 DV के लिए बुलाया गया था और 123 पे जो है आपका फाइनल कट ऑफ गया था। तो अगर एवरेज अगर हम लोग मान के चलें, जनरल को ही अगर हम लोग बेस मान लें, तो देखिए 126 पे DV के लिए बुलाया गया था और 129 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो 3 से 5 मार्क्स के अंदर ही जो मार्क्स हैं वो बढ़े हैं DV और फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए DV जो है, DV और फाइनल सिलेक्शन में सबके 3 से 5 मार्क्स एवरेज बढ़े हैं, सिर्फ एक सर्विसमैन को छोड़ के। एक सर्विसमैन का 20 से 25 बढ़ सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 18 से 25 एज ग्रुप में, ठीक है, 18 से 25 एज ग्रुप में, माफ़ कीजिएगा, फिर से गलती मैंने कर दी, 18 से 27 एज ग्रुप में, ठीक है, 18 से 27 एज ग्रुप में प्रीलिम्स की क्या कटअप गई है। ये हैंड रिटन जो चार्ट है वो हमने बनाई है। तो देखिए, EWS की कटअप गई है 18 से 27 एज ग्रुप वालों की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 18 से 27 में जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम है, हालांकि दिल्ली में वैकेंसी लगभग दो गुनी हो चुकी है, मतलब कि 1244 थी, 2427 जो है, जी 2427 जो है वैकेंसी हो चुकी है। तो EWS की कटअप गई थी प्रीलिम्स की 74, SC की 72, ST की 62, OH की 59, HH की 29, OBC की गई थी 69, VH की गई थी
54 और जनरल की गई थी 73। ये गई थी प्रीलिम्स की कट ऑफ। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद अगर हम लोग बात करें दिल्ली में डीवी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर होने पे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सीधे बात करें फ़ाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन में आप मिनिमम जो है 12 से 14 नंबर ऐड करके चलिए। इसमें जनरल को अगर हम लोग बेस माने, जनरल की कट ऑफ क्या गई है, देखिए 73 गया है, 73 में आप 13 मान के चलिए, तो 6 और यहाँ पे 86 नंबर जो है ये सेफ स्कोर रहने वाला है, मिनिमम सेफ स्कोर रहने वाला है आपकी फाइनल सिलेक्शन का। ठीक है, डीवी की बात करें तो यहाँ से आप 3 नंबर जो है, जैसा कि मैंने वहाँ पे दिखाया प्रीलिम्स में 2016-17 में कि डीवी और फाइनल सिलेक्शन में 3 का अंतर है, तो आप मान के चलिए कि 83 या फिर ज़्यादा कम होगा तो 82। अगर जनरल से आपका 82 है, 82 मार्क्स है, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल के लिए बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो खुद भी अपना कैटेगरी का देख सकते हैं। आपको ये जो प्रीलिम्स का कट ऑफ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 13 ऐड करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आप 13 ऐड करने के बाद जो आपका मार्क्स आ रहा है, अगर उतना मार्क्स आपका है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, और 10 या 9 मार्क्स ऐड करने पे, अगर आप अगर मान लीजिए कि 13 या फिर 9 मार्क्स ऐड करने से जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो डीवी के लिए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए डीवी के लिए जो आ रहा है तो बस वो डीवी के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल सिलेक्शन देखना है, डीवी से कोई लाभ नहीं है डीवी का देख के। तो फाइनल सिलेक्शन जो है, अगर आप इसमें 13 ऐड कीजिए सब में और देखिए कि आपका मार्क्स क्या बन रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन इस बार आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही अपडेट थी गाइस। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि 18 से 27 एज ग्रुप के बारे में बनाइए सर, क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल भी हमने लिखे हैं। मान लीजिए कि आपका 75 मार्क्स है जनरल से और अपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस डाला है 18 से 27 एज ग्रुप में। ठीक है, तो 75 और 75 से ऊपर इतने ऐसे लड़के हैं आपकी कैटेगरी में सारे स्टेट में, उन सभी के सामने जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं आपको जोड़ना है। उसके बाद मान लीजिए कि टोटल वैकेंसीज़ जो हैं आपके कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं उससे या फिर उससे थोड़े ज़्यादा, तो कितने स्टूडेंट हैं कैंडिडेट अवेलेबल हैं उनको जोड़ना है। मान लीजिए कि 600 ऐसे स्टूडेंट हैं और मान लीजिए वैकेंसी जो है वो 700 है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपके पास ये PDF होगी तो। ठीक है, और यही डिस्कशन करना था गाइस, कट ऑफ क्या जा सकता है। MTS का चांसेस है रिजल्ट आने का जल्दी, उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो वो लोग देखिएगा ज़रूर। उसमें डिस्कस हमने किया है कि कब तक जो है रिज़ल्ट डेट आ सकती है, रिज़ल्ट डेट कब तक आ सकती है। ठीक है, और SSC की अगर आप तैयारी करते हैं तो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ जो हैं वो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। अभिनय शर्मा सर हो गए, पवन राव सर हो गए, मोहित गोयल सर हो गए, इसके अलावा गौरव सर, रानी मैम हो गई, अवधेश सर हो गए, इन सब की जो क्लासेस हैं आप अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस ही नहीं, सिर्फ इनकी PDF लगा सकते हैं आप, ना सिर्फ मैथ की बल्कि इंग्लिश या फिर आप कह सकते हैं GA GS सब चीज़ की। एक सब्सक्रिप्शन में जो आपको यह है यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है एक प्लान में। बस आपको प्लस कोर्स खरीदते समय CPE10 ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करना, ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो मैथ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभिनय शर्मा से पढ़ सकते हैं या फिर साहिल सर से पढ़ सकते हैं, पवन राव सर से पढ़ सकते हैं, जिनसे आप मन आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनके साथ तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइस पे जो हैं कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 24 मंथ वाला प्लान ले। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको पता होगा CHSL होने वाला है, CGL भी होने वाला है मेंस, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं लॉन्च हुए हैं, कोई भी प्लस कोर्स आप खरीद रहे हैं सबके लिए ये जो डिस्काउंट कोड है वो अप्लाई आपको करना है, रेफरल कोड जो है CPE10। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए CPE10। ठीक है, CPE10 ये जो है डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस,
तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्लस कोर्स जरूर खरीदें, CPET10 डिस्काउंट कोड जरूर अप्लाई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अगर आपको चाहिए कि क्या कट ऑफ और किसी स्टेट के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम लोग उसके लिए भी कट ऑफ लेकर आएंगे, कट ऑफ एनालिसिस कि उस स्टेट का या फिर उस रीजन का क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।